YouTube चैनल रेखा मनोज ब्लॉग एंड किचन में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक, और प्लीज़ वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, पर मुझे जो है वो मोटिवेशन मिल जाता है अपने आगे ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, तो मेरा जो दिल है वो टूट जाता है, बिल्कुल बहुत ही बुरा लगता है गाइस। तो चलिए जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेड वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए दबा के, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अभी ब्लॉग को शुरू करती हूँ। तो मैं जा रही थी अभी अपने सुपर किचन में एक बहुत ही यमी मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए, और मैं क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ आप सभी के लिए उत्तराखंड की फेमस डिश फांडू। तो उसे फांडू ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में। तो मैं उत्तराखंड में ही रहती हूँ, और मेरा ससुराल भी उत्तराखंड में है, मायका भी उत्तराखंड में है, तो मैं उत्तराखंडी हूँ। तो चलिए अभी उसको बनाना शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। और बाबू अभी नीचे गया खेलने, तो जितना हो सकता है उतना मैं भी आप लोगों से शेयर करूँगी। फिर जब वो आ जाएगा तो मुझे कुछ नहीं करने देगा, तो जल्दी जल्दी से हम रेसिपी बना लेते हैं। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना मैंने रात को भिगो कर रख दिए थे चने, और ये काले वाले चने हैं देसी चने, तो इनको मैंने भिगो कर रख दिए हैं। तो अभी मैं इसको ना उबाल लेती हूँ। तो ये देखिए देसी चनों को ना मैंने बॉईल करके अच्छे से और ठंडा कर लिया है, तो इन्हें अभी मैं ना मिक्सी जार में पीस लूँगी। और मैंने चनों को पीस लिया है अच्छे से, और बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सा दरदरा पीसा है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो और उससे पहले देखिए यहाँ पर ना मैंने थोड़े से चने बचा के रख लिए हैं, एक दो मुट्ठी चने होंगे ये। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो चने पीसे हुए हैं वो उसमें जो पानी मैंने उबाले थे चने, वो जो पानी बचा हुआ था तो वो मैंने इसी में ऐड कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने चने पहले ही बचा लिए थे पीसे हुए, क्योंकि इनकी मैं बनाऊंगी कचरी, तो इसको हम कचरी भी बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हैं वो भी मुझे बताइएगा। और उसके बाद यहाँ मैं थोड़े थोड़े ना इसमें मसाले ऐड कर लिए हैं, ऑनियन ऐड कर लिए है कट करके लंबी लंबी, और इसको एक अच्छे से डो बना के, इसका एक टाइट सा पानी नहीं डालना है, इसी में ही डो बनाने लगा है। और इसको मैंने अच्छे से देखिए गोल गोल शेप में, इस तरह से पकौड़े शेप में बना लिए हैं ये, और इनको अभी मैं फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ सामान कट करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने दो तेज़पत्ते, कुछ करी पत्ते और ऑनियन, टमाटर, लहसुन काट के रख लिया है। देखिए मैं अभी खाना बना रही हूँ, बाबू आ गया है, तो ये मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा है और मना कर रहा है, मम्मी खाना मत बनाओ मुझे गोदी ले लो। तो अभी गोदी ले लूँ इसे या खाना बनाऊँ अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या करना है ध्रुव, ये बेबी को गोदी ले लो। और सबके लिए खाना नहीं बनाऊं? गोदिया। तो बाबू अभी सोएगा ही नहीं, क्योंकि अभी सो के उठा है। तो बाबू अभी मेरे पास में ही है, और मैं लगा रही हूँ तड़का। तो तड़के में मैंने करी पत्ता, राई डाली है ढेर सारी, और इसमें डाला है मैंने तेज पत्ता, और उसके बाद मैंने लहसुन डाल दिया है, और थोड़ी सी हींग भी डाली है इसमें मैंने। हींग मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, कोई सी भी सब्ज़ी हो। और बस इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा रेड ब्राउन कर लूँगी, उसके बाद जो है मैं इसमें ऑनियन ऐड कर दूँगी। तो बाबू मेरे पास ही है, तो बच्चों को साथ लेके खाना बनाना एक चैलेंज होता है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग गया है अभी ये, 2 ईयर्स कम्प्लीट कर रहा है, तो चीज़ों को समझ रहा है, तो हर चीज़ को मतलब देखना और उसको खोलना बांधना ये सब चीज़ें करना इसने शुरू कर दिया है, बहुत ही परेशान करता है। अब मैं राई फैला के गया है, अभी पूरी डब्बी लौट दी राई की, ऐसे करता है ये देखिए। आप झूठ मानते हो ना फ्रेंड,
और यहाँ पे प्याज जो है वो बहुत ही अच्छे स्टेज पे भुन गई है। उसके बाद मैंने मोटे मोटे टमाटर कट करके डाल दिए हैं इसमें। तो जो टमाटर मैंने मोटे कट करने का रीज़न ये है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है इस तरह के टमाटर, इसलिए मैंने इस तरह के काटे हैं। आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं, पीस भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़े थोड़े मसाले मैंने यहीं पे ऐड कर दिए हैं सूखे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें गरम मसाला। और उसके बाद जो मैंने चने बचाए हुए थे थोड़े से अलग से, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तड़का जो है वो अच्छे स्टेज पे भुन चुका है। उसके बाद मैंने जो चने मतलब भिगा कर रखे हुए थे, जो पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी तड़के में से, और बस अभी इसको हम पकाएंगे ठीक उसी तरह से जैसे हम कढ़ी पकाते हैं। तो अभी बॉयल आने का थोड़ा सा वेट करेंगे। तो अगर आप ये रेसिपी अगर कच्चे चने पीस कर बना रही हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, और अगर बॉईल करके चने जब हम ये रेसिपी बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम इसे पकाने में नहीं लगता है। तो देखिए बॉईल यहाँ पे आ गया है, तो इसी स्टेज पे मैं नमक ऐड कर दूँगी इसमें। और ढक के बस मैं इसे 20 मिनट के लिए पकने छोड़ दूंगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अपने लिए बना ली थी चाय, तो हस्बैंड जी तो अभी आए नहीं हैं तो आज अकेले ही चाय पियेंगे। तो ध्रुव को भी साथ में ले लिया है मैंने, और देखिए ध्रुव क्या कर रहा है यहाँ पे। इसने जो झाड़ू है ना वो मतलब बेड पर रख दी है, तो हमारे यहाँ पर जो झाड़ू है ना वो बेड पर ही रखी जाती है। तो ये देखिए मैं इससे कह रही थी, मैंने कहा बेटा आज से झाड़ू बेड पर ही रखेंगे ठीक है। और ये बहुत शरारती हो गया है, इसने बहुत ज़्यादा उधम मचा रखा था। दरवाजा बंद करो। और यहाँ पे मेरा फांडू बनके रेडी है, बहुत ही यमी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके बाद जो पकौड़ियाँ मैंने बनाई थी वो ऐड कर दी हैं मैंने इसमें। तो ये पके हुए चने की पकौड़ियाँ हैं, अगर ये कच्चे चने की पकौड़ियाँ होती तो हम इसे 10-5 मिनट इसी में पका लेते, पर मैंने पकाई नहीं थी, नहीं तो ये जो टूट जाती हैं पकाने से, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। और बस फांडू बनके रेडी है। तो किस किस को उत्तराखंड की ये मज़ेदार रेसिपी पसंद आई है, उत्तराखंड की फेमस रेसिपी, बहुत ही यमी और मज़ेदार रेसिपी। और उसके बाद हो गया था लंच का टाइम, तो 2 बज गए थे और हस्बैंड जी तो अभी आए नहीं थे, उनको अभी थोड़ा देर और लगेगी आने में। तो मैं यहाँ पे लंच करने जा रही थी, तो सर्व कर रही थी अपने लिए थाली। तो किस किस को मेरी आज की जो सब्ज़ी है वो पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ज़रूर बनाकर खाइएगा फांडू, पहाड़ी और गढ़वाली रेसिपी है ये, बहुत ही बढ़िया, प्रोटीन से भरपूर है और हेल्दी है। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, और किस किस ने ये ट्राई किया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी लंच कर लेते हैं। और मैंने ना ये रेसिपी सच कहो तो फर्स्ट टाइम बनाई है, इससे पहले मैंने ये रेसिपी कभी नहीं बनाई।
हाँ सुना बहुत था कि उत्तराखंड की जो रेसिपी है फांडो रेसिपी है वो बहुत ही मशहूर है, तो सोचा ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी कभी ना कभी आप सभी को। और फाइनली आज मैंने बना ली, तो चलिए थाली है रेडी, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये आ गए हैं, अभी आए थे ये 3 बजे, तो अभी नहा धोकर हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे और मैं पी रही हूँ यहाँ पे ग्रीन टी। तो चलिए ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी अभी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और आज की सब्ज़ी जो रेसिपी थी मेरी वो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।